सोशल मीडिया पर इस वक्त बहस छिड़ी हुई है कि गलत कौन है, जोमैटो का डिलीवरी बॉय गलत है या वो लड़की गलत है, और हम दें तो किसका साथ दें। एक तरफ तो वो लड़की है जो बोल रही है कि जोमैटो के डिलीवरी बॉय ने उसे मारा है, फेस पर पंच किया है, और दूसरी तरफ वो डिलीवरी बॉय है जो बोल रहा है उसकी कोई गलती नहीं है, लड़की ने उसे पहले मारा चप्पल से और उल्टा सीधा बोला, और जो भी लड़की को चोट लगी है उसमें उस डिलीवरी बॉय का कोई हाथ नहीं है। अब समझने की कोशिश करना, इस वक्त हमारे देश में जो जनरेशन है, जो यूथ है, उसका इंसाफ किस तरह से होता है। वो कोई भी स्टेटमेंट सुन लेते हैं फेसबुक पर या किसी और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर, उसके बेसिस पर वो एक ओपिनियन फ्रेम कर लेते हैं। ओपिनियन फ्रेम करने के बाद वो एक चॉइस करते हैं कि हमें इसकी साइड लेनी है या इसकी साइड लेनी है। उस चॉइस को करने के बाद वो फिर पोस्ट डालना शुरू करते हैं, ट्विटर पर ट्वीट्स करते हैं, टैग करते हैं प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, आईएएस, आईपीएस, कमिश्नर, एसीपी, डीसीपी, सबको टैग करते हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें रातों रात इंसाफ चाहिए होता है। लेकिन एक चीज जो हम इग्नोर करते हैं कि जो भी हमारे डिसीजंस होते हैं, जो भी हमारी चॉइसेस होती हैं, वो बेस्ड होती हैं हमारे पास्ट एक्सपीरियंसेस पे। फॉर एग्जांपल, अगर कोई लड़का है जिस पर उसकी वाइफ ने फेक डाउरी केस किया हुआ है या फेक डोमेस्टिक वायलेंस केस किया हुआ है, तो इस केस में वो क्या करेगा, वो लड़के का साथ देगा और ये ओपिनियन फ्रेम कर लेगा कि लड़की ने ही कुछ गलत किया होगा, लड़कियां ही गलत होती हैं। एंड सिमिलरली, अगर हम दूसरी तरफ बात करें कि अगर कोई लेडी है जिसके साथ सच में रियलिटी में उसके हस्बैंड ने उसके साथ क्रुएलिटी की है, उसको मारा पीटा है, ठीक है, तो उस केस में वो लेडी इस लड़की का साथ देगी, वो कहेगी कि हाँ लड़के ऐसे ही होते हैं। तो इस तरह से हमारे जो पास्ट एक्सपीरियंसेस होते हैं वो हमारी चॉइसेस को, हमारे डिसीजंस को इफेक्ट करते हैं। मैं ये बात अच्छे से जानता हूँ कि इंडिया में महिलाओं की सुरक्षा के लिए जो कानून बनाए गए हैं वो बहुत ही स्ट्रिक्ट है, महिलाओं की सुनवाई मेल से ज्यादा है। सो सवाल फिर से वही आ जाता है कि हम किसका साथ दें, हम दोनों में से किसका सपोर्ट करें, क्योंकि दोनों ही पक्ष अपने आप को सच्चा बता रहे हैं एंड किसी के माथे पर तो लिखा नहीं होता कि मैं सच्चा या मैं झूठा। सो ये डिसाइड करने के लिए कि हमें किसका सपोर्ट करना है, हमारे पास ना ही एविडेंस है, ना ही विटनेसेस है, ना ही मौके पर आप मौजूद थे, ना ही मैं मौजूद था, ठीक है, बस जो भी कुछ अवेलेबल है हमारे पास वो है कुछ मीम्स, कुछ यूट्यूब वीडियोस, कुछ सोशल मीडिया के पोस्ट, एंड आई थिंक उसके बेसिस पे किसी को गुनहगार साबित करना, किसी को जज करना ठीक नहीं है, क्योंकि पिछले कुछ सालों में देखा गया है कि जो लोग हैं वो आक्रोश में आ जाते हैं और जो रियल जेन्युइन पर्सन होता है उसकी सोशल मीडिया प्रोफाइल पर जाकर उसको गालियाँ देते हैं, कॉमेंट सेक्शन में गाली गलौज करते हैं, पर्सनल चैट पर मैसेज करते हैं, गालियाँ देते हैं। एंड एक चीज और गौर करने वाली है कि पिछले कुछ सालों में कई ऐसे फेक केसेस थे जो हाईलाइट हो गए, एंड उसकी वजह से जो लड़के और लड़कियां हैं जो जेन्युइन है उनकी जिंदगियां बर्बाद हो गई हैं। तो आपको किसका साथ देना है ये पता करने के लिए आपको सिर्फ एक छोटा सा काम करना है, और वो काम है कि आपको अपने काम से काम रखना है, आपको अपना काम करना है बस, और कोर्ट के डिसीजन का वेट करना है। ट्रायल शुरू होगा, एविडेंसेस होंगी, आर्ग्यूमेंट्स होंगे, देन डिसीजन आएगा। उससे पहले आप कोई डिसीजन नहीं लेंगे। इट्स माय हम्बल रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू। दैट्स ऑल।